हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग नहीं गुड इवनिंग है। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग, जल्दी से एक बार फटाफट मुझे बता देंगे और उसके बाद जो आज की चीजें हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों की कंप्यूटर की क्लास है और कंप्यूटर की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो जो इनपुट डिवाइस है उसमें हम आज आप लोगों का जो यहाँ पर पढ़ेंगे, जितनी भी हमारी इनपुट डिवाइसेज हैं जो एग्जाम का पार्ट बनती हैं, तो वो हम सब यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ में मैं आप लोगों को बता दूं तो वो एक एक चीज में आप लोगों की क्या है, देखिएगा अभी मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊंगा, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग लेकर के चल रहा हूं। जैसा कि मैंने बताया था कि 1 सितंबर से पूरा आप लोगों का जो क्लास है वो बिल्कुल सही तरीके से आप लोगों का जो है शुरू हो जाएगा। गुड मॉर्निंग की आदत पड़ी हुई है तो गुड मॉर्निंग इसलिए आपका हो जाता है, तो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग है, गुड आफ्टरनून भी कह सकते हैं। करंट अफेयर के लिए जो स्टूडेंट पूछते हैं वो सुबह 6 बजे मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं डेली, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो जो स्टैटिक जीके आप लोगों को पढ़नी है, आज रामासर साइट्स पढ़ाई थी, कल रामासर साइट्स का पार्ट 2 हमारा होगा, तो उसको ज्वाइन करेंगे कल कितने बजे, 7:15 बजे एसएससी अड्डा पर, और कंप्यूटर की क्लास 4:30 बजे। अभी सबसे पहले आप लोग काफ़ी दिन से मेरे से पूछ रहे थे कि सर दिल्ली पुलिस का जो बैच है वो कब आएगा, तो दोस्तों ये दिल्ली पुलिस का जो बैच है आ चुका है। adda247.com पर आप जाएंगे, सर्च करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2.0 2020 कंप्लीट बैच, ये सर्च करेंगे डाल करके तो ये आप लोगों को मिल जाएगा, या फिर अड्डा ऐप के थ्रू जाएंगे तो आपको डिस्काउंट जो मिलेगा 42% का आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड यूज करेंगे Y177। ये बैच 14 सितंबर से शुरू हो रहा है जो कि 12 बजे से 2 बजे तक, जिसमें मैं आपको कंप्यूटर करंट अफेयर स्टैटिक जीके पढ़ाने वाला हूं, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आज ही ज्वाइन करोगे तो 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। वैसे तो एग्जाम 27 नवंबर को है, वैलिडिटी की जरूरत नहीं, लेकिन बाय चांस एग्जाम बढ़ा दिया क्योंकि आजकल एसएससी का कुछ पता नहीं है, तो उसके लिए क्या है कि अगर आज परचेज करोगे तो 3 महीने की वैलिडिटी जो है वो एक्स्ट्रा आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, व्यू ऑफर में जाकर के कोड डाल देंगे Y177, बैच आपका ये आप लोगों का है 42% का डिस्काउंट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है, चलिएगा। तो यहाँ पर सभी साथी मेरे आ चुके हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कंप्यूटर का जो सिलेबस है तो उसमें पहला ही टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल। तो हम कंप्यूटर फंडामेंटल ही पढ़ रहे हैं, मतलब कंप्यूटर फंडामेंटल में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल। देखिएगा सिलेबस मैंने स्टार्टिंग में लगाया हुआ है ताकि मैं आके कहते हैं जो सिलेबस है आप लोगों का, ठीक है, वो आपको पता रहे कि क्या हम पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसलिए सिलेबस स्टार्टिंग में लगाया आज कंप्यूटर फंडामेंटल। और कंप्यूटर फंडामेंटल के लिए अंदर क्या है, जो हमारा इनपुट डिवाइस है। दोस्तों आज से जैसा कि मैंने बोला था सारी चीज़ें प्रॉपर, तो आज से आप लोगों की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और जितनी भी पुरानी हमारी पीडीएफ है वो इन्हीं के साथ अटैच करके मैं आप लोगों को देता रहूँगा। तो आज की पीडीएफ मेरी क्लास खत्म होने के आधे से पौना घंटे बाद नीचे अटैच हो जाएगी, बेफिक्र रहिएगा, जैसे करंट अफेयर की होती है, ओके चलिएगा। निशा भारती जी, स्पोर्ट्स वेन्यू की बात हम सुबह करेंगे, तो एक दिन तो स्पोर्ट्स वेन्यू पढ़ाए थे, बाकी सुबह बात करेंगे 7:15 बजे, अभी थोड़ा कंप्यूटर की है तो कंप्यूटर की, ठीक है। तो अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो ट्वीट कर रहे हैं उनके भविष्य को खतरा है, कोई दिक्कत नहीं है, भविष्य को कोई खतरा नहीं है, और 2 ट्वीट करके आओ, ठीक है, चलिएगा आगे में बात करेंगे। हाँ, जो ट्वीट कर रहे हैं उनके भविष्य को खतरा था तभी उन्होंने ट्वीट किया है, ठीक है, अब उन्होंने ट्वीट कर दिया है कुछ ना कुछ फल निकलेगा, तो भविष्य को खतरा नहीं होगा, बेफिक्र रहिएगा। दिल्ली पुलिस में ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहे हैं, कोई बात नहीं, मांगने दीजिएगा, जब भी आपका फिजिकल होगा उससे पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिएगा, तो आपको क्या होगा फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए चल पड़े फिर आगे फटाफट से, तो यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं हम एक बार जल्दी से। अब मैं थोड़ा सा जो है साइज बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को जो है मैं भी यहाँ पर जो है दिखने लगूँ, और थोड़ा सा मैं छोटा हो रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब आप लोगों को जो है अच्छे से दिखने लगूँगा सारी चीज़ें, चलिएगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं, अब हम बात करेंगे इनपुट डिवाइस की। तो कोई अगर आप लोगों से ये पूछने लगे कि इनपुट डिवाइस कौन सी होती हैं, तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस कमेंट वमेंट आप लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नहीं नहीं कोई भविष्य को खतरा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे किस चीज की, जो आप लोगों का क्या है, अगर यहाँ पर नॉर्मली हम बात करने लगे इनपुट डिवाइस क्या होती हैं। दोस्तों जब हम कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, डेटा को फीड कराते हैं, जब कंप्यूटर के अंदर डेटा को फीड करते हैं, चाहे वो किस तरह का भी डेटा हो आप लोगों का, तो जो डेटा को फीड कराने के लिए जिन डिवाइस की जरूरत पड़ती है वो डिवाइस हमारी इनपुट डिवाइस होती है,
विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस वी कैन एंटर डेटा और फीड डेटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब इनपुट डिवाइस की सहायता से हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को क्या करा सकते हैं, डाटा को फीड करा सकते हैं, डाटा को एंटर करा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे पहले कंप्यूटर क्या लेता है, इनपुट ही लेता है, और जब इनपुट लेता है तो इनपुट को कैसे हम फीड कराते हैं, इनपुट डिवाइस के माध्यम से। अब कौन कौन सा हमारा डेटा होता है, कौन कौन सी हमारी इनपुट डिवाइसेज होती हैं, उन चीज़ों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिनसे चीज़ों में इनपुट किया जाता है, जिसमें डेटा एंटर कराया जाता है, वो हमारी इनपुट डिवाइस होती हैं। समझ में आ गया हो तो एक बार आप लोग क्या करेंगे, थम्सअप दिखा देंगे ताकि आगे चलेंगे। आगे चलने पर अगर मैं आप लोगों से बात करूँ यहाँ पर, तो दो तीन चीज़ें और हम देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में, मतलब जो हमारा कीबोर्ड होता है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद हम माउस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम जॉयस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, लाइट पेन के बारे में, ट्रैक बॉल के बारे में, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट, माइक्रोफोन, MICR, OCR या फिर बारकोड रीडर, तो इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये जितनी भी हमारी यहाँ पर होती हैं, जितनी भी हमारी इनपुट डिवाइस हैं, वो लिखी हुई हैं। अब इनको वन बाय वन हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कोई अगर आप लोगों से पूछने लगे, ठीक है, कीबोर्ड, कीबोर्ड कैसी डिवाइस है, तो कीबोर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा, जो ज़्यादा यूज होने वाली जो इनपुट डिवाइस है उसके अंदर आप लोगों का क्या आता है, कीबोर्ड आता है। तो अगर आप पूछेंगे कि कीबोर्ड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, तो कीबोर्ड की हेल्प से हम डेटा को क्या करा सकते हैं, एंटर करा सकते हैं। जब आप कोई डेटा फीड करते हो तो कीबोर्ड से तो फीड करते हो, तो कीबोर्ड कैसी डिवाइस हुई, कीबोर्ड आप लोगों की एक जो हुई क्या कहते हैं, आप लोगों की इनपुट डिवाइस हुई, क्योंकि हम इसके अंदर डेटा को फीड कराते हैं अपनी इनपुट डिवाइस, मतलब इनपुट कीबोर्ड के माध्यम से। अब आप लोगों को क्या कीबोर्ड से इतना ही क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल नहीं सर, क्वेश्चन और भी बनेंगे कीबोर्ड से। तो जैसा कि आप लोग कीबोर्ड में देखते हो, एक की होती है जिसको हम F1 से लेकर के F12 तक देखते हैं, दिखती है आपको की, तो इन की को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं यहां पर दो तीन चीजें। एक होती है टोगल की, कौन सी होती है दोस्तों, टोगल की। एक होती है आप लोगों की कौन सी यहां पर, मोडिफायर की, मोडिफायर, इट्स नॉट मोदी, इट्स मोडिफायर, ओके। तो मोडिफायर की, हिंदी में भी मोडिफायर ही लिखा होगा। और एक जो की होती है आप लोगों की, वो होती है फंक्शन की, जो हमारे एग्जाम का पार्ट बनती है। ठीक है, अगर आप लोगों से ये पूछ लिया गया कि हमारी जो सबसे पहले फंक्शन की है, सर फंक्शन की कौन कौन सी होती है और इनकी रेंज क्या होती है, तो जो हमारी फंक्शन की होती है वो आप लोगों की F1 से लेकर के F12 तक होती है। कहाँ तक होती है फंक्शन की, F1 से लेकर के F12 तक। समझ गए सारी चीजें, कंप्यूटर में आप देखते हो F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, F5 है, तो ये सारी की आ जाएंगी, फंक्शन की आ जाएंगी। इनकी रेंज पूछी जाए तो F1 से लेकर के F12 तक इनकी रेंज होती है और ये फंक्शन की कहलाती है। उसके बाद अगर टोगल की हम बात करेंगे, तो जो हमारी टोगल की होती है और मॉडिफायर की होती है, तो कोई मुझे बताएगा कि टोगल की और मॉडिफायर की कौन सी होती है, बताइएगा जल्दी से। टोगल की और मॉडिफायर की, फंक्शन की आसान थी, मैंने बता दी आप लोगों को, तो टोगल की और मॉडिफायर की कौन सी होती है, एक बार जल्दी से बता दीजिएगा फटाफट से। सरोजनी, इसको 108 मत बोलिएगा कि टोटल 108 होती है, डिपेंड ऑन कीबोर्ड, कुछ मल्टीमीडिया कीबोर्ड होते हैं, कम हो जाती हैं, ज्यादा हो जाती हैं, तो कीबोर्ड में की जो है फिक्स नहीं है। तो टोगल की पे एक स्टूडेंट बता रही है कैप्स लॉक, ओके चलिएगा, कैप्स लॉक हो गया, मॉडिफायर हो गई। अब एक बात समझिएगा, F2 रीनेम के काम आती है बहुत सारी चीजें, मतलब अलग अलग सॉफ्टवेयर पे अलग अलग फंक्शन होने लगते हैं इनसे। अब एक बात समझिएगा, अगर कोई सबसे पहले टोगल की बात करे, तो ऐसी की जो की के प्रेस होने पर अपनी स्टेट को, अपनी स्टेज को चेंज कर लेती हैं, मतलब यहां पर एक की आप लोगों को दिखती है कैप्स लॉक की। कौन सी की दिखती है यहां पर आप लोगों को, कैप्स लॉक, कैप्स लॉक दिखती है। एक आप लोगों को दिखती है नम लॉक, ये की दिखती है। तो ये ऐसी की है जो प्रेस होने पर अपनी स्टेज को चेंज कर लेती हैं। मतलब अगर हम कैप्स लॉक की बात करेंगे, आप लोग कैप्स लॉक को प्रेस कर दो तो वो क्या हो जाएगा, जब कैप्स लॉक ऑन हो जाएगा तो सारे लेटर कैपिटल में हो जाएंगे, कैप्स लॉक ऑफ हो जाएगा तो आप लोगों के क्या हो जाएंगे, सारे लेटर स्मॉल में चले जाएंगे।
नम लॉक अगर आप ऑन कर देंगे तो जो बराबर वाला नंबर पैड था वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, क्योंकि नंबर को लॉक कर दोगे आप वहां पर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, सेम स्क्रोल का होता है, अगर आप स्क्रोल को प्रेस कर दोगे तो स्क्रोलिंग जो होगी वो लॉक हो जाएगी आप लोगों की। तो मतलब इस तरह की चीजें होती हैं। तो आपसे अगर टॉगल की के डेफिनेशन पूछ ली जाए या पूछा जाए कि ऐसी की जो प्रेस होने पर अपनी स्टेट को चेंज कर देती है, अपनी स्टेज को चेंज कर देती है, अपना फंक्शन बदल देती है, तो ऐसी की आप लोगों की क्या होती है, टॉगल की होती है। अगर आपसे कोई पूछने लगे मॉडिफायर की के बारे में, ठीक है, नहीं और ऑल्ट को मत लगाइएगा आप लोग, जो है कैप्सलॉक के साथ ऑल्ट को मत लगाइएगा। अगर हम मॉडिफायर की बात करेंगे तो जो आप लोगों का अकेले काम नहीं करता, मतलब जो की अकेले काम नहीं करती वो आप लोगों की मॉडिफायर की होती है। क्या शिफ्ट कभी अकेले काम करता है? क्या कंट्रोल कभी अकेले काम करता है? क्या ऑल्ट कभी अकेले काम करता है? तो जो चीज की अकेले काम नहीं करती वो कभी भी आप लोगों की क्या होती है दोस्तों, कभी भी आप लोगों की जो अकेले काम नहीं करती वो मॉडिफायर की। तो आप लोग एक बात समझिएगा, ये जो मोदी है ये अकेले काम नहीं करता, ये शाह के साथ में काम करता है, अमित शाह के साथ में काम करता है, तो इसलिए ये सारी की कंट्रोल की। आपसे पूछा जाता है इनमें से कौन सी मॉडिफायर की नहीं है या इनमें से कौन सी मॉडिफायर की है, तो ऑल्ट हो गया, शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, ये कभी भी ना अकेले काम नहीं करती, इनके साथ किसी दूसरे को प्रेस करना पड़ता है तभी ये काम करती हैं, तो ये हमारी मॉडिफायर की हैं। ओके, समझ गए आप लोग यहाँ पर। तो जितनी भी हमारी मॉडिफायर की हैं वो आप लोगों की क्या हो जाएंगी, वो सब आप लोगों की क्या है, मॉडिफायर टोगल की, बिल्कुल ठीक है। तो कोई डाउट इसके अंदर हो तो यहाँ पर आप लोग मुझे बता सकते हैं, समझ गए। ओके, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, मतलब होती है सर, CTRL Z का मतलब होता है देखो अंडो, ठीक है, मतलब जो हमने पिछला एक्शन किया था उसको क्या करना है, रिमूव करना है, तो लास्ट एक्शन पे जाना है, तो Ctrl Z आप लोग करके उसको ला सकते हैं, ठीक है, चलिएगा। अंडो रीडो का ऑप्शन होता है आप लोगों का, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे और भी चीजें निकल करके आएंगी सर, हमारे जो क्या कहते हैं आप लोगों के, अगर मैं तीन चीजें आप लोगों को यहाँ पे लिखूं, अब वो तीन चीजें क्या होंगी ध्यान से समझ लीजिएगा। एक आप लोगों ने सुना होगा क्वेरिटी, QWERTY, ठीक है, और एक सुना होगा आपने DVORAK, और एक आप लोगों ने सुना होगा AZERTY। ओके, तो ये क्या है, ये तीनों के तीनों अभी शायद आपने कहीं पे पढ़ा है, नहीं पढ़ा है मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, इनमें से कौन सा कीबोर्ड का लेआउट नहीं है। तो लेआउट के बारे में आप समझ रहे हो कि जैसे कीबोर्ड आपके सामने है तो कीबोर्ड का ना लेआउट होता है, जैसे कीबोर्ड का लेआउट कौन सा है, यहाँ पर क्यू है, डब्ल्यू है, ई है, आर है, टी है, वाई है, तो ये क्या हो गया, क्वेरिटी लेआउट है कीबोर्ड का। तो कीबोर्ड के जैसे बटन की स्ट्रक्चर होता है तो वैसे आपका लेआउट होता है। तो कौन कौन से लेआउट के कीबोर्ड आते हैं आपसे पूछा जाता है, इनमें से कौन सा आप लोगों का जो है कीबोर्ड का लेआउट नहीं है, तो आपसे पूछेगा तो आप बता दीजिएगा, क्वेरिटी एक आपका लेआउट है, AZERTY एक लेआउट है, और DVORAK क्या है, एक लेआउट है। सबसे ज्यादा जो यूज होता है और खास करके हमारे इंडिया में वो क्वेरिटी ही यूज होता है, और आप देख रहे होंगे QWERTY, तो क्वेरिटी कीबोर्ड। आप अपने फोन को देखिएगा उसमें भी क्वेरिटी कीबोर्ड आप लोगों को मिलेगा, कीपैड मिलेगा उसमें, ये कीबोर्ड है वो कीपैड है, तो आपको जो क्वेरिटी कीपैड है या क्वेरिटी कीबोर्ड है वो सबसे ज्यादा यूज होता है, AZERTY भी यूज होता है, और आप लोगों का जो है DVORAK भी यूज होता है। तो ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा लेआउट नहीं होता, तो इन चारों तीनों के अलावा जो चौथा होगा उसको आप लोग लगा देंगे और यहां से आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा, अगर मैं बात करूंगा तो कोई भी डाउट है तो यहाँ पर आप लोग मुझे बता सकते हैं। जो नए साथी जुड़े हैं वो ये समझ लीजिएगा, आज उनकी पहली क्लास है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, कंप्यूटर फंडामेंटल से मैंने शुरू किया है, और कंप्यूटर फंडामेंटल मैंने आप लोगों को सिलेबस भी दिखाया था स्टार्टिंग में ताकि पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग चला जा सके। तो कंप्यूटर फंडामेंटल से हम चले हैं, जिसने अभी तक नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है। MS Excel जो है हमारा, अगर हम बात करेंगे अपने MS Excel की उसके बाद आएंगे, तो इसी तरह से टॉपिक को हम यहाँ पर लेते रहेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिएगा, तो कीबोर्ड आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पर अगर कीबोर्ड समझ में आ गया तो मुझे आप लोग बता सकते हैं। डेली आप लोगों को क्या आना है, 4:30 बजे आना है,
करंट अफेयर के लिए सुबह 6 बजे आना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और वीडियो को शेयर करके ना मैक्सिमम बच्चों के बीच शेयर करेंगे, ठीक है? बता देंगे मुझे, चलेगा? ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई बात नहीं, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो अच्छी बात है। माउस, तो यहाँ पर अगर हम माउस की बात करेंगे, बहुत बढ़िया, आप लोगों को जो है यहाँ पर चीजें मिल रही हैं, बहुत सही, शानदार, ठीक है। तो यहाँ पर हम माउस की बात करेंगे, तो माउस एक कैसी डिवाइस है? तो सर, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। मतलब माउस इज ए इनपुट डिवाइस, ठीक है, डेट पॉइंट आउट द थिंग्स। मतलब जो है आप लोगों का कि माउस कैसी डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस है। क्वेश्चन पूछा जाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है? माउस हमारी क्या है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। अच्छा, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है माउस कौन सी जनरेशन में आया था? तो माउस आप लोगों का 4th जनरेशन में आया था, क्योंकि आप लोगों का जो कंप्यूटर के अंदर ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस है, GUI है, जो आप लोगों से पूछा जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वो कब आया था? वो भी 4th जनरेशन में आया था, इसलिए माउस भी 4th जनरेशन में आया था। और यहाँ पर DOUGLOUS, डगलस ENGLE WARD, डगलस एंगलवार्ट जो है वो माउस के फादर कहलाते हैं। तो माउस का फादर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, माउस कौन सी जनरेशन में आया था पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है वो आप लोगों का पूछा जा सकता है। पहले मैकेनिकल माउस यूज होते थे, वो नहीं पूछा जाएगा। अभी जो हम माउस यूज करते हैं वो ऑप्टिकल माउस है। कौन से माउस है? ऑप्टिकल माउस है। ऑप्टिकल माउस मतलब ये देखिएगा, जो ऑप्टिकल लाइट पे काम करते हैं, मैं आपको दिखा भी दिया, तो ये इस तरह से आप लोगों के ऑप्टिकल लाइट पे काम करते हैं, तो ये आप लोगों के ऑप्टिकल माउस है, ठीक है। क्लास की टाइमिंग देखो, ये लिखी हुई 4:30 बजे है डेली आप लोगों की, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आनी है, ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट है तो मुझे आप यहाँ पर बता सकते हैं जल्दी से, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, एक स्टूडेंट ने कुछ लिखा था कि सर माउस डगलस एंगलवार्ट 1961 शायद मुझे दिखा था, किसी ने लिखा था, बट 1961 नहीं है वो आप लोगों का 1967 है, बट ये पूछा नहीं जाएगा ईयर वगैरह ना आपसे, तो ईयर यहाँ पे जो है आपसे पूछा जाएगा। अभी वायरलेस माउस आ गए हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो वायरलेस माउस है वो भी तो ऑप्टिकल ही माउस है ना, वो वायर और वायरलेस अलग है, वो टाइप नहीं है। जो भी वायरलेस माउस है वो भी ऑप्टिकल माउस है, ठीक है, वो भी है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। 1967 था, 61 नहीं है, बट वो ईयर पूछा नहीं जाएगा। यहाँ पे किसी स्टूडेंट का भी मैंने कमेंट देखा ना यहाँ पर फोन में, तो वो आप लोगों का क्या है, मुझे लगा कि सही करवा दिया जाए। ओके, चलिएगा, कोई डाउट आप लोगों को, ठीक है। देखिएगा, यहाँ पे कोई क्लास की टाइमिंग पूछता है तो उसको बता दिया करो आप लोग ना आपस में। ओके, चलिएगा, कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट है। आज लाइक बड़े कम आप लोग कर रहे, पता नहीं कि भाई मोदी वोदी दिख रहे क्या मेरी शक्ल में, ठीक है। चलिएगा, आगे बात करते हैं, तो फटाफट से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का जो है हम करेंगे, उसमें आपका जॉयस्टिक आ जाएगा। तो कई बार ना आपसे पूछते हैं कि जॉयस्टिक कैसी डिवाइस है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, जो जॉयस्टिक है वो आप लोगों की क्या है, इनपुट ही डिवाइस है। तो आप लोगों से पूछा जाता है इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है या कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। जॉयस्टिक का मेन काम क्या होता है? तो जॉयस्टिक का जो मेन काम होता है वो वीडियो गेम्स को खेलने में होता था, आज की डेट में नहीं होती है यूज आप लोगों की। अगर कोई जॉयस्टिक के बारे में पूछेगा तो जॉयस्टिक के बारे में आप क्या बताएंगे कि सर जॉयस्टिक जो है वो इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक का काम क्या होता था, वीडियो गेम्स को खेलने में होता था, ठीक है। चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं शिवांगी रावत जी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, 1967 है वो बेसिकली, ठीक है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, वीडियो गेम्स के लिए जॉयस्टिक इस तरह की होती है, तो साथ में पिक्चर भी मैं आप लोगों के लिए जो है लेकर के आया था, ठीक है। चलिएगा, और जैसे हमारा माउस था ना, उसी तरह हमारी ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस है। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सारी चीजें क्लियर है आप लोगों को, कोई डाउट है नहीं है, ठीक है। चले आगे बढ़े, इंडियन आर्मी में ITBP BSF डिटेल पढ़ा दीजिएगा। ओके राजकुमार, आपने तो वो बोला हुआ है ना बॉर्डर वाली सेना वाला, तो वो मैं बता दूंगा, बेफिक्र रहिएगा, थोड़ा सारी चीजें कर रहे हैं ना। चलेगा, लाइट पेन की हम बात करेंगे। तो आप लोगों ने अक्सर लाइट पेन के बारे में सुना होगा, और कुछ लोग लाइट पेन का मतलब जो है वो अलग ही निकाल लेते हैं। मतलब लाइट पेन का मतलब क्या निकाल देते हैं कि भाई मतलब कुछ होता होगा, या फिर लेजर वाले पेन की हम बात करने लगते हैं। तो लाइट पेन आपने अक्सर देखा होगा, ये तो वायर्ड है, वायरलेस भी होता है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जब हम डिजिटल बोर्ड वगैरह पे पढ़ा रहे होते हैं, या कई बार हम प्रोजेक्टर पर कुछ काम कर रहे होते हैं,
तो कुछ चीजों को पॉइंट करने के लिए, मतलब कुछ चीजों को पॉइंट करने के लिए क्या यूज होता है, लाइट पेन यूज होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सी एक आप लोगों की पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ये क्वेश्चन बना था, मतलब कौन सी इनमें से पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। तो पॉइंटिंग में आपका माउस आता है, पॉइंटिंग में आपका जॉयस्टिक आता है, पॉइंटिंग में आपका लाइट पेन आता है, और नीचे लिखा था ऑल ऑफ द अबव। तो ऐसे में आंसर जो है आप लोगों का ऑल ऑफ द अबव लगना था कि कौन सी है, सॉरी ये पूछा गया था, ठीक है, या फिर ऑल ऑफ द अबव था या नहीं में था साहब नन ऑफ दीज, मतलब उस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट याद नहीं कि सबको पूछा था या किसी को नहीं पूछा था, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि जो लाइट पेन है वो आप लोगों का इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है। आई थिंक ये आप लोगों को चल रहा होगा, ठीक है, कोई डाउट है तो मुझे आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो आप लोगों ने ये समझ लिया होगा, ठीक है, लाइट पेन यूज होता है किसी भी चीज को पॉइंट करने में, रेड रेड सा आप लोगों का होता है, ठीक है, इसीलिए लाइट पेन को लेकर के भी आया था साथ में आपके। ट्रैक बॉल का आप लोग मतलब समझिएगा कि जो हमारी ट्रैक बॉल होती है वो क्या होती है। तो कई बार जैसे आप लोगों की स्क्रीन होती है स्क्रॉल करने के लिए, ट्रैक करने के लिए किसी चीज को, तो हमारी जो ट्रैक बॉल है, हालांकि ये पुरानी चीजें हो गई, अब बहुत रेयरली यूज होने वाले हैं आप लोगों के, लेकिन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो जो हमारी ट्रैक बॉल है वो भी आप लोगों की इनपुट डिवाइस है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ट्रैक बॉल ऑल्सो इज एन इनपुट डिवाइस, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। ये पेन तो है लेकिन ये लाइट पेन नहीं है, ठीक है, ये डिजिटल पेन है, हालांकि ये भी इनपुट ही दे रहा है लेकिन ये लाइट पेन नहीं है। लाइट पेन का मतलब मैंने बताया था कि चीजों को पॉइंट आउट करने में, बट ये लिख भी सकता है ना आप लोगों का, लिख भी रहा है, तो इसलिए आप लोगों का ये हो जाएगा, चलिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे आगे, तो स्कैनर, स्कैनर के बारे में आप समझिएगा कि स्कैनर की अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछने लगे तो सबसे पहले तो आप लोगों को बताना है कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का मतलब आप लोग समझते हैं, इनपुट डिवाइस मतलब जिसके थ्रू आप डेटा को इनपुट कराते हैं। अब आपके माइंड में ये आ जाएगा कि जो हमारा इनपुट डिवाइस है किस तरह से इनपुट डिवाइस है, तो ये सॉफ्ट को मतलब जो आपकी हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी है उसको क्या कर देता है, हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी। अभी जैसे कोई आप लोगों से ये पूछने लगे कि जो हमारा दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, सपोज उसमें अगर वो ड्राइविंग लाइसेंस को अपलोड करवाने लगते, क्या करवाने लगते, अपलोड करवाने लगते, या आधार कार्ड को अपलोड करवाने लगते, तो वो क्या होता आप लोगों का, आप सबसे पहले अपना आधार कार्ड लेकर के जाते, उसको स्कैन कराते, हालांकि आप फोन पे ही स्कैन कर लेते हो मैं जानता हूँ, लेकिन अगर स्कैनर के थ्रू आप उसमें स्कैन रखते, स्कैन कराते, फिर उसकी सॉफ्ट कॉपी अपनी मेल पर लेते, तो ऐसी डिवाइस जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर दे वो हमारा क्या कहलाता है, स्कैनर कहलाता है। तो स्कैनर को कुछ लोग आउटपुट डिवाइस में लगाते हैं, और जब आउटपुट डिवाइस में लगाते हैं तो वो वहीं पे गलत कर देते हैं, क्योंकि स्कैनर से आउटपुट नहीं मिलती, इसके अंदर जो भी आप स्कैन करोगे वो कहाँ पर होगा, वो दिखेगा तो स्क्रीन के ऊपर ही ना। जैसे सपोज इसको मान लीजिएगा ये स्कैनर है, और इस स्कैनर के अंदर आपने क्या रखा, पेपर रखा, और इसको ऐसे करके स्कैन कर लेते हैं, तो वो स्कैन होने के बाद कहाँ दिखता है, स्क्रीन पर दिखता है ना, तो ये तो क्या हुई, इनपुट डिवाइस हुई, इसने तो इनपुट ले लिया ना, तो ये आप लोगों की जो इनपुट डिवाइस हो गई, तो इनपुट डिवाइस होती है स्कैनर, इसको भी आप लोगों ने क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में जो कन्वर्ट करता है वो स्कैनर होता है। कई सारे स्कैनर है, हैंडहेल्ड स्कैनर है, बीसीआर है आप लोगों का, ओसीआर है, ओएमआर है, उनको सबको आगे पढ़ेंगे, आगे लिखे हुए हैं, ओके। चलिएगा, दोनों कैसे हो जाएगा भाई, मुझे बताना एक बार जरा, ये इनपुट आउटपुट दोनों है सर, ये बताओ ये आउटपुट कैसे हो जाएगा, स्कैनर बताना जरा क्या आउटपुट देता है, आउटपुट तो देता ही नहीं है, इसकी आउटपुट कहाँ पे मिलती है, इसकी आउटपुट जो मिलती है वो मिलती है स्क्रीन पर, जिसको आप दोनों बता रहे हैं वो क्या होते हैं, स्कैनर और प्रिंटर का कॉम्बिनेशन होते हैं, हाइब्रिड होते हैं वो, कि मतलब एक तरफ से स्कैन किया और प्रिंटर से निकल गया, तो वो दोनों हाइब्रिड होते हैं, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ये केवल इनपुट है आप लोगों को, ठीक है, ओके। चलिएगा, तो बीएस एकेडमी एक चीज देखिएगा ध्यान से, क्या कहते हैं, जैसे मैं कुछ चीज पढ़ा रहा हूं, आप लोगों ने कभी कोई ना देखेगा, चीज देखेगा अपना, जैसे आप लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ, एक कोई ये मैप है, और इस मैप के थ्रू मैं चीज़ें पॉइंट आउट करके बता रहा हूँ आपको कि ये है गलवान वैली, ठीक है,
यहाँ पर आप लोगों का पेंगोंग लेक है, ठीक है, ये वाली हिल्स हैं, ये वो हैं। तो इस तरह से पॉइंट आउट करके आपको चीज़ें बताते हैं ना, कई बार मैप में जब बता रहे होते हैं तो जो चीज़ें पॉइंट आउट करके बता रहा होता है वही आप लोगों का लाइट पेन होता है, ठीक है, मतलब चीज़ें पॉइंट करने के लिए होता है वो, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफिक टैबलेट की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे जो ये आप लोगों को जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, समझ लीजिएगा ऐसी ही टैबलेट है, जो टैबलेट एक आपके सामने लिखी है ना, ठीक है, तो जो एक टैबलेट आपके सामने रखी हुई है, आपको स्क्रीन पे एक टैबलेट दिख रही है, समझ लीजिएगा हूबहू ये वही टैबलेट है जिस पर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ऐसी ही टैबलेट है, ऐसा ही पेन है, बस मैंने बांध रखा है क्योंकि कभी चला जाए कहीं, ठीक है, बिल्कुल सेम है सारी चीज़ें आप लोगों की। क्या है तो इस पर हम देखो चीजों की इनपुट दे रहे हैं, जैसे मैंने लिखा कंप्यूटर, तो देखो दे दी ना मैंने इसको इनपुट, तो इसको जब मैं इनपुट दे रहा हूं तो ये ग्राफिक्स टैबलेट भी आप लोगों की किस में आती है, ये इनपुट में आती है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। आज 8:30 बजे होगी, 8:30 बजे होगी क्लास, रात को 8:30 बजे करंट अफेयर रिविजन जनवरी से, ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये आप लोगों की जो ग्राफिक टैबलेट होती है ये भी हमारी इनपुट डिवाइस ही होती है, इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसमें कोई डाउट है तो मुझे आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। इस पे मैं लिखता हूँ यहाँ को और सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिखाई देती रहती हैं, तो इससे भी हम इनपुट दे सकते हैं। तो ग्राफिक टैबलेट भी एक तरह की इनपुट डिवाइस है, चलेगा। माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है। अब आपको माइक्रोफोन है जैसे, तो ये जैसे मेरे पास पूरा ये हेडफोन है और हेडफोन में क्या है, माइक्रोफोन है, तो जब मैं माइक्रोफोन में बोलता हूँ तो माइक्रोफोन क्या लेता है, इनपुट लेता है। माइक्रोफोन कैसी इनपुट लेता है, ये वॉइस की इनपुट लेता है, या माइक भी हम इसको कह सकते हैं, तो ये इनपुट लेता है। लेकिन इसकी आउटपुट कहाँ निकलती है, स्पीकर में निकलती है, तो स्पीकर आउटपुट डिवाइस हो गया, माइक्रोफोन क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। इसलिए आप लोगों का ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, याद वापस आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, इसी को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, चले आगे। तो इसमें आप लोगों की आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, चलो। उसके बाद है मैग्नेटिक का करेक्ट कार्ड रीडर, तो मैंने MICR आपको कल पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि बताऊंगा ये आप लोगों को, तो मैंने रिकॉग्नाइजेशन पढ़ाया था आपको, लेकिन यहाँ पे स्कैनर की तरह बात कर रहा हूँ तो इसलिए रीडर लिखा है। कभी आप सोचो कि कल रिकॉग्नाइजेशन गलत हो गया था, बिल्कुल गलत नहीं था, वो भी आपका मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर है, ठीक है, कल मैंने पढ़ाया था मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली आप लोगों का स्कैनर की तरह मैं बात कर रहा हूँ, तो जो आप लोगों का ये चेक होता है, इस चेक पर एक MICR कोड होता है। MICR कोड क्या होता है, मैग्नेटिक इंक से लिखा होता है। जो ये MICR कोड है ये मैग्नेटिक इंक से तो लिखा है, और आपका जब ये मैग्नेटिक इंक से लिखा है तो इसको मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर ही पढ़ पाएगा। तो इस तरह से आप लोगों का मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर होता है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखिएगा। थैंक यू अंडरटेकिंग गेम्स जी, ठीक है, अंडरटेकर गेमिंग, ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया है, ओके, चलिएगा, बहुत बढ़िया। हेडफोन कौन सा डिवाइस है, अक्की देखो जैसे हेडफोन हो गया, ATM मशीन हो गई, या फिर हमारी टच स्क्रीन हो गई, ये इनपुट कम आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में ना यहाँ से आवाज़ जाती भी है आती भी है। ATM में इनपुट लिया भी जाता है, इनपुट आउटपुट आता भी है, टच स्क्रीन पे इनपुट जाती है आउटपुट आती भी है, और सेम आप लोगों का फैक्स मशीन है, फैक्स जाता भी है आता भी है। तो ये इनपुट कम आउटपुट डिवाइस है, जिनका भी आप नाम ले रहे थे, ये अक्सर पूछी जाती है, ठीक है, तो ये है आप लोगों का। आगे चलते हैं, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, मतलब अभी आपको ना कोई पेपर स्कैन कराना है, सपोज मेरे पास ये पेपर है और इस पेपर को मुझे स्कैन कराना है, ठीक है, तो इस पेपर को मैं इस स्कैनर के अंदर रखूंगा, तो जैसा जैसा ये था पेपर वैसा ही मुझे इसकी क्या मिल जाएगी, सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। और जब वैसे OCR होता है, मैंने एक स्कैनर पढ़ाया था ना आप लोगों को, कि सॉफ्ट कॉपी से, मतलब हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में बदल देने वाला, तो हार्ड कॉपी को जो सॉफ्ट कॉपी में बदलता है वो ऑप्टिकल करेक्टर रीडर या फिर आप लोगों का OCR होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। और जब भी आप लोगों से फुल फॉर्म पूछी जाती है मैग्नेटिक इंक MICR की, फिर से बता दूंगा, तो फुल फॉर्म के तौर पे मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये कार्ड रीडर, क्योंकि मैं डिवाइस की तरह यूज कर रहा था इसलिए मैंने इसको MICR आपको पढ़ाया था। आगे बात करेंगे तो बारकोड रीडर, आपको सामान खरीदने जाते हो तो हर सामान के पीछे आप लोगों को एक बारकोड दिखता है। जैसे अभी कोई सामान मेरे पास है नहीं, तो लेकिन जब भी आप कोई सामान देखने जाते हो तो उस सामान को क्या है, उसके पीछे एक बारकोड होता है इस तरह का,
तो उसको उसके हाथ में लिया होता है, क्या उस पर रेट देखता है, डेट देखता है, कुछ नहीं देखता। वो उस बार कोड को स्कैन कर लेता है, सारा रेट सब कुछ उसके सामने आ जाता है, कितने का है, क्या प्रोडक्ट है, वो कुछ नहीं देखता, ठीक है, एक साथ, और वो निकल करके आ जाता है। तो उस प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन उस बार कोड के अंदर होती है, और बार कोड रीडर आप लोगों का, हम इसको हैंड हेल्ड स्कैनर भी बोलते हैं, और ये बेसिकली शॉपिंग मॉल्स वगैरह में ज्यादा यूज होता है, तो इस चीज को आप लोगों ने ध्यान रखना है। ओके, चलिएगा, तो इसमें कोई डाउट है तो मुझे आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, चलेगा। बाकी डेली आप लोगों को आना है इतने ही बजे, तो क्लास रेगुलर बेसिस पे होगी आप लोगों की। ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब आप पेपर दे करके आते थे तो इस तरह से बबल्स भरते थे ना, या जब यूनिवर्सिटी एग्जाम देते हो तो उसमें अपना नाम भरते हो, देखिएगा यहाँ पे दिख भी रहा होगा आप लोगों को, तो वो किस स्कैनर से स्कैन की जाती है, क्या उसको मैनुअली स्कैन करते हैं, नहीं, उसको मैनुअली स्कैन नहीं करते, तो वो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, OMR होता है हमारा, जो उसको स्कैन करता है। तो कोई डाउट यहाँ पर हो तो मुझे आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, थैंक यू स्वीटी शर्मा जी। तो ये आप लोगों की चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को स्कैनर के तौर पे पढ़ाई है, कोई डाउट इसके अंदर हो तो मुझे आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं। देखिएगा, ऑप्टिकल जो OMR शीट होती है उसको स्कैन करने के लिए OMR स्कैनर आप लोगों का यूज होता है, ठीक है, चलिए। ये कुछ फुल फॉर्म्स थी, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका था, लेकिन आज फिर से आप लोगों को बता देता हूं। AI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ALGOL एल्गोरिदमिक लैंग्वेज, AOL अमेरिका ऑनलाइन, ASCII SKIES को बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, COBOL कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DDR डबल डाटा रेट, DVD डिजिटल वीडियो वर्सेटाइल डिस्क, FAT फाइल एलोकेशन टेबल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये आप लोगों के कुछ MCQ है जिनको मैं कल कराऊंगा, क्योंकि टाइम हो गया, मेरी क्लास भी है अभी, तो वापस जाना है, ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। कल 10 MCQ है वो करा दूंगा आप लोगों को, और कल आउटपुट डिवाइस भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। आई थिंक इनपुट डिवाइस समझ में आई होंगी, कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज आपका लास्ट डेट है 42% डिस्काउंट का, और Y177 कोड है, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। अड्डा 24/7 पर जाना है, दिल्ली पुलिस दीपू का ये बैच आ रहा है, कंप्यूटर करंट और स्टैटिक मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, 1100 रुपये का आज आप लोगों को ये मिलेगा, और आज वैलिडिटी जो है 6 महीने की जगह 9 महीने की आप लोगों की हो जाएगी। वैसे तो एग्जाम हो जाएगा विद इन 6 मंथ, लेकिन इन फ्यूचर कभी किसी दूसरे एग्जाम के लिए चीज़ें पढ़नी हो तो आप लोग इस पे बैच को रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो इसलिए आपको वैलिडिटी का ध्यान रखेंगे। Y177 याद रखेंगे, कोई डाउट है तो मुझे आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं। थैंक यू VS Academy जी। बाकी आप लोग एक चीज़ मुझे करिएगा कि जिनको भी मतलब अच्छा लग रहा है तो वो अपने दूसरे साथियों को भी बताएंगे और सारी चीज़ों के बारे में उनको अवगत कराएंगे। कल हमारी क्लास में इस क्लास में हमारे 500 बच्चे हो चुके थे, बीच में थोड़ा इरेगुलर हो गए, तो कल कम से कम हम 200 प्लस जो है यहाँ पर पढ़ा रहे होंगे, ऐसे ही डे बाई डे हम इंक्रीज करेंगे, समझ रहे हो, ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर थी। सुबह करंट अफेयर में मिल जाएंगे 6 बजे, कल 2 सितंबर का होगा, आज 1 सितंबर का हुआ था। उसके बाद आप लोगों का जो है स्टैटिक GK की क्लास, अभी 8 बजे मेरे 8:30 बजे मैं करंट अफेयर का रिवीजन भी आप लोगों को कराऊंगा, तो उसके लिए आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है, रैपिड फायर रिवीजन होगा। तो ये सारी चीज़ें थी आप लोगों की, इनको ध्यान रखेंगे, कोई डाउट है तो मुझे आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं। PDF अभी आप लोगों को मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, ठीक है, चलिए।